ये समस्या है, क्या मामला है पूरा? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पार्श्वनाथ सिटी जो हमारी डेवलप हुआ, उसने बिल्डर ने कुछ भी डेवलप नहीं किया, कोई भी फैसिलिटी डेवलप नहीं की है। इवन जो हमें फ्लैट्स भी दिए थे वो अधूरे ही दिए थे। एक टाइम के बाद में जब वो नहीं डिलीवर कर पाए तो लोगों ने तंग आके अपना घर खुद ही बनवाया। सिर्फ प्लेस एंड ऑल वो था, ढांचा खड़ा हुआ था, लेकिन जो फिनिशिंग वर्क है वो सब लोगों ने खुद ही आपस में मिलकर बनाया, सबने अपने अपने घर का वो किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने रेरा का जब सुना तो हम लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली। रेरा में यहाँ पर 500 लोग से ऊपर है, लेकिन उस समय मुश्किल से 15-20 लोग रह रहे थे जब इनिशियल स्टेज था, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा आया तो 60-70 लोग रह रहे थे, जिसमें से बिल्डर ने कुछ लोगों को तो अपने पक्ष में ले लिया किसी ना तो किसी तरीके से फ़ायदा देकर। अगर आप एक बार कॉलोनी का चक्कर काटेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे घर बाहर से जो नियमानुसार गलत है, घर के बाहर टाइल्स लगाकर कुछ ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने अपना किया हुआ है, वो सारे वो लोग हैं जिनको कहीं ना तो कहीं तो बिल्डर ने उनको मतलब मोटिवेट किया गलत कामों के लिए, और कहा कि हम एक साथ एकजुट ना हो सके। हमारी एकजुटता को उसने सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में अब मतलब सबके सब बिखरे हुए हैं। कहीं कुछ लोगों के बीच में बिखराव है और कुछ अधिकतर लोगों के बीच में डर है। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जी, हमने हर डिपार्टमेंट में शिकायत की। जब हम रेरा केस जीते तो रेरा केस में जब आरसी कटी तो आरसी कटने के बाद में हम हर डिपार्टमेंट में गए, आइदर वो डीएम हो, कमिश्नर हो, सब जगह पे हमने जाके दिया, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर अगर आपको जितने भी प्रूफ चाहिए, जितने भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं, सारे एप्लीकेशन आपके हमारे डम पड़े हैं, किसी के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं। इवन अब कोरोना काल में दौड़ दौड़ पे गए। अभी हालात ऐसे हैं, मुख्यमंत्री ने सारे आदेश जारी कर दिए हैं, बड़े बड़े माफियाओं के जो है बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं, बहुत लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या मुख्यमंत्री पे क्या आप एहसास है कि मुख्यमंत्री ऐसा काम करते हैं? उस पर भी जन सुनवाई पे भी डाला है, वहाँ से भरोसा उठने के बाद में ही मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने आप मीडिया के थ्रू क्या मीडिया के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ के जो बिल्डर के कुछ गुर्गे लोग हैं, कुछ लेडीज हैं, अगर आप उनसे अगर कहीं पे जैसे कि अगर आप कुछ उनको प्रॉब्लम अगर करते हैं तो वो औरतें क्या करती हैं कि आपके घर में जाकर बहुत बड़ा ड्रामा करती हैं, नाचना डकैती और बंदूक के साथ में लेकर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर रेरा आदेश देखेंगे तो उसमें मिस्टर राजीव चतुर्वेदी का नाम और मिस्टर त्रिवेदी जी का नाम लिखा हुआ है कि वो लोग उपस्थित थे। उसकी सजा ये है कि मिस्टर राजीव चतुर्वेदी को इवन वो पुलिस में है उसके बाद में भी उनके घर पर 3 बार अटैक हुआ। एक बार उनको 5 घंटे के लिए डिटेंशन के लिए इन्होंने कोशिश की, सेकेंड दिन उनके घर पर उनकी वाइफ है यहाँ पर मिस्टर चतुर्वेदी, इन्होंने